Hi, this is Sunil Pali here and you're watching Star D News. Keep on watching. All the best. झारखंड की माटी का संदेश है आया, हो अब तो बदलेगा तकदीर ये सुदेश दादा, हो अब तो बदलेगा तकदीर ये सुदेश दादा। झारखंड को विकास के रास्ते पर लाने के लिए केला चुनाव चिन्ह का बटन दबाएं और आजसू को भारी मतों से जिताएं। आजसू पार्टी को वोट दें। अब की बार गांव की सरकार। आप देख रहे हैं स्टार डी न्यूज़, हर खबर का असर। दिल्ली और रांची के डबल इंजन ने नए झारखंड के लिए सामाजिक न्याय के 5 सूत्रों पर काम किया। स्थिरता, सुशासन, समृद्धि, सम्मान और सुरक्षा। झारखंड पुकारा भाजपा दोबारा, कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टार डी न्यूज, मैं हूं अभिषेक श्रीवास्तव। आज की 15 बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। निर्मला सीतारमन ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि इकोनॉमी की क्या स्थिति है, मैं इस पर बहस नहीं करना चाहती, मैं सिर्फ अपना काम कर रही हूं। इंडियन क्रिकेट टीम के लेग स्पिनर राहुल चाहर ने अपनी प्रेमिका ईशानी से की सगाई, जल्द ही शादी के पवित्र बंधन में बन जाएंगे राहुल। नागरिकता संशोधन बिल के विरोध में प्रदर्शन होने के कारण असम की कई ट्रेनें रद्द। एग्जिट पोल के मुताबिक ब्रिटेन की 650 सीटों वाली संसद में बोरिस जॉनसन की कंजर्वेटिव पार्टी बहुमत की आवश्यक आंकड़ा 326 सीटों को पार कर लिया है। बुधवार को लोकसभा में राहुल गांधी पर तंज कसते हुए कहा कि 2000 वर्ष पूर्व चाणक्य ने कहा था कि विदेशी माता से उत्पन्न कोई भी संतान राष्ट्रभक्त नहीं हो सकता, वो हमें अब देखने को मिल रहा है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने नागरिकता संशोधन बिल को मुस्लिम विरोधी एजेंडा बताया। कोच रोडी एस्ट्रिज ने अपने टीम के खिलाड़ियों को लक्ष्य प्राप्त करने के लिए भारतीय टीम के कप्तान विराट कोहली की तरह मेहनत करने की नसीहत दी। राहुल गांधी के रेप इन इंडिया के बयान पर संसद में बीजेपी सांसद स्मृति ईरानी, लॉकेट चटर्जी साथ कई बीजेपी सांसद ने हंगामा किया और राहुल गांधी से माफी की मांग की। राहुल गांधी ने कहा, प्रधानमंत्री भी इसके पहले दिल्ली को रेप कैपिटल कह चुके हैं। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में नागरिकता संशोधन बिल को लेकर हो रहे विरोध प्रदर्शन में प्रदर्शनकारी हुए हिंसक, बेलदांगा स्टेशन पर किया तोड़फोड़। वेस्टइंडीज के ऑलराउंडर क्रिकेटर ड्वेन ब्रावो ने इंटरनेशनल क्रिकेट में वापसी की घोषणा की। छह सालों से चल रहा पॉपुलर शो ये है मोहब्बतें बंद होने जा रहा है। शो ये है मोहब्बतें में रूही का किरदार निभा रही आदिति भाटिया हुई भाव। नागरिकता संशोधन बिल के विरोध प्रदर्शन के दौरान जामिया के कई छात्रों को पुलिस ने हिरासत में लिया। बीजेपी सांसदों के हंगामे के कारण स्पीकर ओम बिरला ने सदन की कार्यवाही खत्म कर दी। तो ये थी आज की 15 बड़ी खबरें। तमाम देश और दुनिया की खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए स्टार डी न्यूज।